इस बार थोड़ा हटके किसी को बिना परेशान किया। अच्छा आज ना एक गाना गाने का मन हो रहा है। देखो अभी तक का मेरा सोलो ट्रिप का रिव्यू ये है कि यार मेरा तो बजट थे, तो मैं ना सांची जा रही हूँ। मैंने वीडियो बनाई हूँ कि दोस्तों 200 रुपए खर्च करूंगी और आपको सब घुमा दूंगी। बारिश होगी, अच्छा लगेगा। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। चलिए बातें करते हैं विद निमिषा में। चैनल टू माय वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एक बिल्कुल अलग तरीके के व्लॉग में, जो कि हाँ अभी तक आपको समझ आ गया है। मैं आई हूँ सांची स्तूप, जो कि भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर दूर है, और ये है मेरी पहली, जी हाँ, अभी तक मैंने कभी भी सोलो ट्रैवल नहीं किया है। आपको मेरे बहुत सारे अलग अलग शहर में अलग अलग व्लॉग्स देखे होंगे आपने अलग अलग दोस्तों परिवार वालों के साथ, लेकिन ये है मेरी सिर्फ और सिर्फ मेरी सोलो ट्रिप। और सोलो ट्रिप के साथ साथ ना ये एक बजट ट्रिप भी है, तो जो कि आपने देखा होगा 200 रुपए के नोट में सांची स्तूप बना होता है, कुछ इसी प्रकार से 200 का मेरा बजट है। तो पहली बजट ट्रिप, पहली सोलो ट्रिप, क्या कुछ आज मैं करने वाली हूँ। शुरू से मैं आपको बताऊँगी घर से निकलते ही मैंने क्या किया, और सांची दिखाने वाली हूँ आपको सोलो ट्रैवल की थोड़ी बारीकियां बताऊंगी, क्या कुछ आपको ध्यान देना चाहिए, मौसम कैसा है, बजट ट्रिप कैसी होती है, पैसों को कैसे संभालना चाहिए, ये सब कुछ है इस व्लॉग में। जुड़े रहिए एंड तक एंड आई एम सो एक्साइटेड। प्लीज़ लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और देखते रहिए मेरा सांची व्लॉग, माय सोलो ट्रिप। गुड मॉर्निंग, और सुबह के 5:30 बज रहे हैं। मैं उठ चुकी हूँ, एक बार पता है सोकर उठी थी और फिर से सो गई, दूसरे अलार्म में मम्मी ने धक्का देके उठाया है। और सनस्क्रीन लगाना चाहिए, तैयार होना चाहिए, तभी तो मज़ा आएगा। और मम्मी भी उठ गई हैं, थोड़ा सा नाश्ता की व्यवस्था कर दी है मम्मी ने, और यहाँ पर प्यारी सी मुस्कान दे दी है। दोस्तों घर से निकल चुकी हूँ, कहीं पहुँचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ 7:45 बज रहे हैं और ऑटो का इंतज़ार हो रहा है। अब एक ई रिक्शा आ रही है, ई रिक्शा में बहुत वक्त लगता है, देखते हैं क्या मुझे इसमें बैठना चाहिए या नहीं। बहुत घंटों तक पहुंचाएगी और इसमें जगह ही नहीं है। यहाँ थोड़ा सा स्यापा हो गया, तो ये जो लड़का है ना, ये बहुत दूर से इसने सफ़र किया और 20 रुपये की जगह सिर्फ 10 ही रुपये दे रहा है, तो अब ये लड़का सोच रहा है 50 दूंगा तो ये 20 रुपये ना काट लें। लेकिन रिक्शा वाला ईमानदार है और हम थोड़ी इनसे बात करते हैं। ले रहा तो लो, नहीं दिया। नहीं, बात करने का तरीका 10 में ना कोई अमीर हो जाता है ना गरीब हो जाता है। वही तो, मैंने भी आपसे पूछ के बैठा। मेरा तो बजट थे, मैं ना सांची जा रही हूँ। मैंने वीडियो बनाई हूँ कि दोस्तों 200 रुपए खर्च करूंगी और आपको सब घुमा दूंगी। तो ना बहुत सारी अंकल के साथ बातें कर ली, वो लड़के की बुराई कर ली, और ई रिक्शा में ना खिड़की नहीं होती है, तो आपको ऐसे हवा लग रही हो तो अपना दुपट्टे से ही ऐसा घूंघट बना लीजिए, और फिर उसको हर सफ़र का, हर एक व्हीकल का मज़ा लीजिए। और भूख लग रही है, थोड़ा सा रास्ते में केले वगैरह खा लो, और बाय। थैंक यू अंकल, स्माइल, थैंक यू, हाँ बाय। सबसे हंसते मिलते बतियाते हुए 10 रुपये अब खर्च हो चुके हैं, और अरे स्टेशन पे मिल गई है नीलम आंटी। नीलम आंटी मुझे नहीं पहचानती हैं, लेकिन 10 साल पहले आज से मम्मी ने इनकी शादी में इनका मेकअप किया था, तो ये आज का GK है। चलिए टिकट लेते हैं जो सिर्फ मात्र 30 रुपये का है, और अपने सपनों की पहली ट्रेन में सोलो ट्रैवल में हम चढ़ते हैं। तो बेस्ट सीट ढूंढते हैं, बहुत सीटें घूमी और अब मुझे नींद आ रही है। लेकिन सोलो ट्रैवल में दोस्तों सोना नहीं है, थोड़ा जल्दी उठी हूँ, रात में भी लेट सोई थी। कोई अगर साथ में हो कितना अच्छा लगता है ना, किसी के कंधे पर सिर रख के आप सो सकते हैं। लेकिन आप फालतू की बातें नहीं, ट्रेन 1 घंटे लेट चल रही है और हम पहुँच गए हैं सांची मात्र 30 रुपये में, तो सांची ने हमारा स्वागत कर लिया है। अभी मैं स्टेशन से चल रही हूँ स्तूपा की तरफ, तो मैंने 1-2 लोगों से पूछा, उन्होंने कहा कि वॉकिंग डिस्टेंस है अगर आप में हिम्मत हो और बजट हो, तो दोनों ही चीज़ें हैं, हिम्मत भी है और एक बजट भी अपना। तो मैं पैदल ही जा रही हूँ, और छोटे शहरों में ना कुछ अलग ही बात होती है,
काफी अच्छा लग रहा है। अगर हम भोपाल से बाई रोड आते हैं तो ये है भोपाल सागर हाईवे। आप अकेले रोड क्रॉस करते हैं तो ये सब भी आपको ध्यान देना पड़ता है, धूप है, धूप से भी अपने आप को बचाना होता है। तो आप देखिए सफ़र को एंजॉय करिए और आइए इनसे बात करते हैं। दीदी स्तूप का यही रास्ता है? हाँ, ज़्यादा दूर तो नहीं है? नहीं, 2 किलोमीटर दूर ही है। 2 किलोमीटर तो चल लेंगे। रास्ते में ही सबसे पहले आपको देखेगा सांची का जो एक पुरातत्व संग्रहालय है, और सामने ही उसके जस्ट है बुद्धा जम्बूद्वीप पार्क। लेकिन अच्छा, पहले हम स्तूप जाएंगे। मैं ना कोई कितना भी बड़ा हो, ठीक है, सबको दीदी बोल रही हूँ, मतलब फीमेल में, तो मुझे लग रहा था कोई लोग सुनेंगे नहीं, लेकिन दीदी में तुरंत सुनते हैं भाई, एक्सेप्ट फॉर मी, मतलब मुझे दीदी वीदी मत बोला करो तुम लोग। एक बार एक बच्चे ने मुझे आंटी बोल दिया था, बिल्कुल गुस्सा, गाली तो मैं खैर देती नहीं, घूसा मार वार सब हाथ तक आ गई थी, फिर कंट्रोल कर लिया मैंने, कहा उसकी नज़र ख़राब होगी। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि अब टिकट ले लेते हैं, तो टिकट आता है मात्र 40 रुपये का। दोस्तों 2 किलोमीटर तो है ही है, और अभी मैंने हिम्मत नहीं आ रही है, थोड़ी सी ना ये चढ़ाई है इसलिए एनर्जी लग रही है, बाकी हम कर सकते हैं। थोड़ा सा 2 मिनट का बैठने का ब्रेक ले लिया, यहाँ छाँव मिल गई है। और देखो सोलो ट्रैवल में, बजट ट्रिप में ये सब तो करना ही पड़ेगा। अब तुम सोचो कि घर से ही कार में बैठ के आएँ और बिल्कुल जहाँ जाना है वहीं पर उतार दें, तब थोड़ी होता। अगर आप 20 रुपये अफोर्ड कर सकते हो ऑटो के तो ऑटो से आ जाओ, क्योंकि आप खर्च करोगे तो वो किसी की आय है ना। मेरा तो खैर अलग ही उद्देश्य है, बट जो है अच्छा है। बस स्माइल करते रहो। आज निमिषा तुम्हारी पहली सोलो ट्रिप है, ये हैव फन एंजॉय, पहली बजट ट्रिप भी। चलो चलो चलते हैं, बस थोड़ा और है। और ये देखिए सांची स्तूप रहा हमारे सामने, ये है पार्किंग एरिया। चलिए तो सबसे पहले स्तूप से पहले आता है ये विहार, जिसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो हम वहाँ से आते हैं और सीधे नहीं जाके लेफ्ट में आएंगे, तो सबसे पहले ये विहार आएगा, इसके अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। हाँ? नहीं नहीं, किला नहीं है। गौतम बुद्ध जो थे ना, तो ऐसे बहुत पूरे भारत में स्तूप बने हैं। एक घंटे में तो घूम लोगे। देखो कंफ्यूज होना नॉर्मल बात है, कई लोग कंफ्यूज थे कि वो स्तूप देखने आए हैं या किला देखने आए हैं या कहाँ आ गए हैं, तो मैंने उनकी हेल्प कर दी। अच्छा एक चीज़ है जो आप लोग मुझसे सीखो, या फिर आपको भी आती होगी, वो ये है कि कहीं भी जाओ, आप सोचो आप कितनी मेहनत करके कितना वक्त निकाल के कहीं भी जाते हो, तो वहाँ जाके सिर्फ भाग दौड़ में मत लग जाओ कि हाँ हाँ देख लिया हो जाओ, उस जगह को महसूस करो, वहाँ बैठो। और आप लोगों को लगता है कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी ब्लॉक कर देती हूँ, लेकिन नहीं, मैं अपने सिर्फ कुछ मिनट हफ्ते में किसी दिन के कुछ मिनट व्लॉग करती हूँ, बाकी वक्त और अभी भी व्लॉग करते वक्त भी मैं बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रही हूँ, बहुत कुछ महसूस कर रही हूँ, तो ये आप लोग थोड़ा सा नोट करिए। टिकट कटवाकर अब हम चलते हैं सीधे अंदर। तो पता है सांची स्तूप एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको कितने अच्छे से मेंटेन करके रखा है, हर वक्त झाड़ू लग रही है, हर चीज़ की सफाई हो रही है, और नेशनली इंटरनेशनल टूरिस्ट सब लोग यहाँ आते हैं। तो घूमेंगे हम पूरा, आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले भूख लगाई है, सो व्हाट बेटर प्लेस देन दिस। यहाँ पर बैठती हूँ बढ़िया घास पर, दिखाती हूँ आपको क्या लाई हूँ मैं। नाश्ता भी नहीं किया है, वो केला ही खाया था। देखो अभी तक का मेरा सोलो ट्रिप का रिव्यू ये है कि यार अच्छा है अकेले, मतलब अपनी स्पीड से चल सकते हो, अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो, लेकिन इट्स गुड टू हैव समवन विद यू। लाइक मैं ना किसी को रोस्ट कर पा रही हूँ, यू नो, है ना, आप लोगों को पता है मुझे लोगों को रोस्ट करने में, मजाक करने में बड़ा मज़ा आता है, तो ना मैं रोस्ट कर पा रही हूँ। एक तो सोलो ट्रिप, ऊपर से है बजट ट्रिप, तो यार ये दोनों चीज़ें साथ में नहीं हो सकती हैं। या तो मुझे
खुशी कहीं ना कहीं से तो चाहिए, या मुझे पैसे उड़ा के मज़े आएंगे, है ना, बिल्कुल लग्जूरियस लैविश ट्रिप हो, या तो मैं गरीबी में कोई मेरा साथ दे, है ना। तो अभी तक का तो ये है, बाकी बताती हूँ। भूख लग रही है, अब लेट वेट लिया है। दिखा देती हूँ आपको व्हाट्स इन माय बैग। तो ब्रेकफास्ट है, सैनिटाइज़र है, वाटर बॉटल है, कैश है, छोटू सा बैग लेके ट्रैवल करना चाहिए। आज ना एक गाना गाने का मन हो रहा है, मतलब मन क्या हो रहा है, आवाज़ तो है नहीं अच्छी, लेकिन सुबह से ही कभी कभी होता है ना कि कोई गाना बहुत गुनगुनाते हैं हम, तो वो गाना है चंदा से पूछेंगे हम सारे सवाल निराले, झरने क्यों गाते हैं पंछी क्यों मतवाले। तारीफ वारीफ करो यार। Wow! ऐसे जब व्लॉग कर रहे होते हैं ना तब इतना ऑकवर्ड लगता है, क्योंकि ऐसा प्रिटेंड करना पड़ता है कि आप लोग हैं, आप लोग हैं लेकिन अभी नहीं हैं, आप लोग देख रहे हैं, है ना। ब्रेकफास्ट में केला पहले ही खा लिया, अनार खा रही हूँ, और है हमारा देसी घर का भोपाल का मशहूर पोहा। तो खाते वक्त ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए, चबा चबा कर मुँह बंद करके खाना चाहिए, खाने से पहले हाथ को धो या सैनिटाइज़ कर लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें भी आज आप सीख लें, और आप देखिए कितने महान पति हैं। मतलब गौतम बुद्ध ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि किसी स्तूप पर एक पति खड़े होकर सामने गार्डन में अपनी पत्नी की तस्वीर खींचेगा, और यहाँ पर फ्रंट कैमरा का बिल्कुल बेस्ट यूज़ हो रहा है। लेकिन मैं स्तूप के सामने अभी लूँगी अपने आधे घंटे का नैप, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ। चलिए अब फाइनली स्तूप के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर दो स्तूप हैं, एक जिसमें मैं जा रही हूँ और एक जो पीछे है। एंट्री पर ही आपको ये मूर्ति दिखती है, जिसमें जो गर्दन के ऊपर का हिस्सा है वो गायब है, और फिर यहाँ पर ये पूरा ऐसे परिक्रमा जैसा बना हुआ है। तो आयशना मैं कौन सा गाना गा रही थी, चंदा से पूछेंगे हम सारे सवाल निराले, झरने क्यों गाते हैं पंछी क्यों मतवाले। ठीक है, किसी ने भाव नहीं दिया, बाय। अभी मैं स्तूप में चल ही रही हूँ, बाहर वाला एरिया है ये, अंदर तो ये मतलब ये ऐसा ही है, बाहर से ही है जो भी है। तो अभी मैं चल रही हूँ तो बहुत सारे लोग मिल रहे हैं, ठीक है, कोई खुद की फ़ोटो खिंचवा रहा है, कोई अपने दोस्त की फ़ोटो खींच रहा है, याद आ रही है मुझे अपने दोस्तों की। लेकिन ये सोलो ट्रिप है, सेल्फी का इन्वेंशन ही और डिस्कवरी ही इसलिए हुई है कि सोलो ट्रैवल में आपको दिक्कत नहीं हो। मतलब ऐसे कोई रूल नहीं है कि आप किसी से फ़ोटो नहीं खिंचवा सकते, लेकिन ठीक है ना, इस बार थोड़ा हट के किसी को बिना परेशान किए हम लोग घूमते हैं। मैं ऊपर आ गई हूँ अभी, इसकी एक और परिक्रमा है आपको, ऊपर जो डोम जैसा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं गुंबद जैसा स्ट्रक्चर है। व्लॉग, पता है क्या, व्लॉगिंग देखने में जितनी आसान लगती है करने में थोड़ा सा वो होता है, क्योंकि लोग देख रहे होते हैं आपको, सोच रहे होते हैं क्या कर रहा है ये इंसान, और बस मज़े ले रहे हैं। तो आप देखिए बहुत ही ज़्यादा रिच हेरिटेज है, आप देखिए तरह तरह की चीज़ें बनी हैं जिनका बहुत ही ज़्यादा बुद्धिज़्म में मान्यता है, और मैं और मेरी परछाई बस आज की ट्रिप में, मेरे साथ सिर्फ मेरी परछाई है। यहाँ से घूम कर निकलते हैं और सामने जाएंगे बिल्कुल सीधा, क्या है बता रही हूँ, सब्र रखिए। वे टू स्तूपा नंबर टू, ये देखो यहाँ लिखा है। ये देखिए स्तूपा नंबर टू, नहीं दिख रहा, ये रहा, ये देखो है। तो कई लोग ना सिर्फ पहला स्तूप देख के ही निकल लेते हैं, लेकिन आप यहाँ तक आ रहे हो तो दूसरा भी देखो। अगर आपको थोड़ी बहुत ट्रेन की आवाज़ आ रही हो ना, तो ये पेड़ के पीछे से ही हमें दिख रही है ट्रेन, ठीक है। तो स्टेशन से ना हमने कई बार देखा है, तो यही स्तूप दिखता है रेलवे स्टेशन से। अच्छा, एक चीज़ और, अभी तक ना एक भी मुझे ऐसे स्नैक्स की कोई दुकान नहीं दिखी है, पानी का भी कुछ, पानी का एक दिखा था, नल दिखा था,
आर ओ है शायद, लेकिन अपने जलपान की व्यवस्था खुद करके आए क्योंकि कचरे की वजह से मे भी ये लोग यहाँ पर यू नो दुकान वुकान नहीं खोले। नीचे कुछ होगा लेकिन जो स्तूप का एरिया है वहाँ तो कुछ नहीं है। यहाँ पर ये कोड्स हैं, इनको आप स्कैन करके एक तरीके से ऑडियो गाइड की तरह यूज़ कर सकते हैं, तो ये अच्छी बात है। तो ये जो दूसरा स्तूप है ना, इसके अंदर 10 बुद्धिस्ट मॉन्ग्स जो भिक्षु हैं उनकी रेलिक्स जिसको हम कहते हैं अवशेष, इस स्तूप के अंदर हैं, तो ये इसकी खास बात है। और इसका ना अगर आप दोनों ही स्तूप के डिज़ाइन देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी है। जैसा वहाँ पे कैसे एक बड़ा सा गेटवे था, यहाँ पर नहीं है, ये ऐसे खोपचे में ही निकल के और खोपचे में घूम के आ जाते हैं। अब मैं चढ़कर वापस ऊपर जा रही हूँ। और अगर मुझे आपको ये बताना हो कि कौन सा मौसम बेस्ट रहता है यहाँ आने के लिए, तो एक तो सर्दी क्योंकि धूप खाओ, दूसरा बारिश। कैसा पथरीला एरिया है, हरियाली है, बारिश में कैसा झरने जैसा महसूस होगा। बारिश होगी अच्छा लगेगा, बारिश होगी अच्छा लगेगा। और गर्मी में तो भैया राम को भजो, राम को भजो ना, एक बुंदेलखंडी मुहावरा है। इसका मतलब ये होता है कि यार कुछ भी कर लो, भगवान का नाम लो, लेकिन ये काम मत करो। राम को भजो, भगवान को याद कर लो और ये काम मत करो। सितंबर है लेकिन नानी याद आ गई है। तो ये राइट साइड स्तूप है और लेफ्ट साइड देखिए आप मध्य प्रदेश के कितने खूबसूरत सांची में ये खेत खलिहान है और छोटा सा शहर है सांची। अब हम वापस लौट रहे हैं। पता है क्या, जब मैं देखती हूँ रास्ते पर पैदल ना सिर्फ मैं हूँ, कोई अपने बॉयफ्रेंड के साथ है, कोई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है, कोई ऑटो लेके जा रहा है, कोई अपनी कार से जा रहा है, कोई बाइक पे चार लोग बैठे हैं, मुझे छोड़कर सबके पास अच्छा खासा बजट है। तो अभी मैं ग्रेविटी का इस्तेमाल कर रही हूँ और लगभग 11:30 बज गए हैं, मेरी ट्रेन है 12:30 पे, मुझे जल्दी से म्यूज़ियम देखना चाहिए। बाय। पहुंच गए हैं हम टिकट काउंटर पर म्यूज़ियम का 5 रुपये का टिकट लेने और मेरे पीछे है सर जॉन मार्शल का घर जो इतना खूबसूरत है लेकिन बंद पड़ा हुआ है। मैंने बहुत सारी एस्थेटिक फ़ोटोज़ खींची, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो अभी करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अब हम चलते हैं सांची के म्यूज़ियम के अंदर। तो म्यूज़ियम के अंदर फोटोग्राफी अलाउड है, कैन यू बिलीव, लेकिन मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था। ये सारी मूर्तियाँ जो यहाँ पे औज़ार हैं, चीज़ें डिस्प्ले में रखी गई हैं, ये सब पिछले 100 साल में ही एक्सकवेट किए गए हैं, गवर्नमेंट ने बहुत मेहनत की है। और बाहर ये दादाजी अमरूद बेच रहे थे तो बजट कंस्ट्रेंट के साथ साथ ही मैंने अमरूद भी लिए। तो बहुत सारी चीज़ें सिर्फ हमें इसलिए ख़रीद लेनी चाहिए, इससे नहीं क्योंकि हमें ज़रूरत है, लेकिन हमारा खर्चा किसी की आय होगा। और आगे चल के चाट वाट की दुकान है लेकिन ना ही मेरे पास वक्त है और मैं ज़्यादा बाहर का खाती भी नहीं हूँ। 2 किलोमीटर फिर से पैदल चलकर हम वापस पहुंच चुके हैं सांची स्टेशन। और यहाँ आकर मेरा नेट में कोई दिक्कत आ रहा था, IRCTC काम नहीं कर रहा था, ट्रेन 20-25 मिनट लेट है, थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। छोटे छोटे स्टेशन ना मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, तो आइए स्टेशन की, छोटे शहरों के स्टेशन की खूबसूरती को निहारते हैं और टिकट लेते हैं। 30 रुपये का टिकट लेने के बाद आधे घंटे जो हमारी रेल लेट है, मैं ककड़ी खाकर छीली नहीं है, इसको अच्छे से धो लिया है। तो देखो बजट ट्रिप ऐसी ही होती है, हालत पूरी डाउन हो चुकी है। होपफुली लंच तक घर पहुंच जाऊंगी, मम्मी को फ़ोन कर दिया है और हमारी ट्रेन आ गई, बहुत ज़्यादा भरी हुई है। ये बताए ये जो मेमू ट्रेन है ना, लोकल ट्रेन जैसी लगती है, तो आप लोग हो सकता है रिलेट कर पाएँ, मुंबई की लोकल ट्रेन जैसा। इस भीड़ में मैं कैसे घुसी ये मैं ही जानती हूँ। कुछ लोगों ने बहुत अजीब अजीब हरकतें भी भीड़ की वजह से यू नो फ़ायदा उठाते हैं। फिर आप देखिए माँ का प्यार ही होता है। इस बच्चे को जगह नहीं मिली तो इसकी माँ ने इसको बताया कि आप इस तरीके से अपनी चप्पल निकाल कर और फिर उसको ही आप एज अ सीट बना कर बैठ सकते हैं। तो आप देखिए क्रिएटिविटी और हमारा ये जो शॉर्टकट होता है इंडियंस का कितना बड़ा होता है। मैं चुपचाप खड़ी हुई हूँ और इस बच्चे को नहीं सिखाया गया है कि खाना कैसे खाते हैं, आधा पॉपकॉर्न खा रहा है आधा गिरा रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, अगर आप एक माँ हैं, अगर आप एक पिता हैं, अगर आपके आसपास बच्चे हैं, तो ये सारी चीज़ों ने सिखाएं। और सबसे बड़ी बात तो तब हो गई जब ये पॉपकॉर्न जो गिरे थे ना, इस बच्चे ने फिर नीचे बैठ के एक एक पॉपकॉर्न
ज़मीन से उठा उठा कर खाया। और आप देखिए एक पिता कितना महान होता है, बच्चा रोया जा रहा है, बच्चे की जिम्मेदारी अपने कंधों पर और जिम्मेदारियां, बैग की जिम्मेदारी सब कुछ लेकर बच्चे के पिता चल रहे हैं। ठीक है, भोपाल आ गया है, ई रिक्शा में फिर से बैठ गई हूँ, घर जा रही हूँ। और ये था मेरा हाफ डे का सोलो ट्रिप, जो भी था मज़ेदार था, यादगार था। आप लोग बताएं आपको कैसा लगा, यहाँ तक आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक करिए, कमेंट करिए और खुश रहिए, प्यार बांटते रहिए। ले लूँ गाड़ी कहाँ, अंदर? हाँ हाँ ले लो ले लो, ठीक है।